गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज है 7 फरवरी। कितनी आज? 7 फरवरी। और हम पढ़ेंगे 6 फरवरी की डेली करेंट अफेयर। क्या पढ़ेंगे? डेली करेंट अफेयर। डेली करेंट अफेयर, इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय का तीन दिवसीय परंपरागत टोग्यो महोत्सव मनाया गया। जनवरी 2022 में आयोजित हुआ। क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश के मोनपा समुदाय के 3 दिवसीय परंपरागत तोरग्या महोत्सव जनवरी में आयोजित हुआ। कौन से मठ में आयोजित हुआ? ये हुआ तवंग मठ में आयोजित। ये इस मठ में क्या हुआ? आयोजित हुआ। ठीक है, इसका ये महोत्सव एक विशेष, यह 2022 में एक विशेष अवसर का प्रतीक है। किसका? एक विशेष अवसर का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि ये 3 साल बाद, 3 साल के अंतराल में, कितने? 3 साल के अंतराल में मनाया गया। हाँ, 2022 में एक विशेष अवसर का प्रतीक है क्योंकि यह 3 साल के अंतराल में डुंग्योर तोरगे मनाया गया। इसका क्या तात्पर्य है? इसके मनाने का कोई उद्देश्य तो होगा। इससे ये लोग मानते हैं, इस जनजाति के लोग मानते हैं, इस त्यौहार के मनाने से पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है हो
और प्राकृतिक आपदा से बची रहती है। और प्राकृतिक आपदा से बची रहती है। प्राकृतिक आपदा से क्या होता है, पृथ्वी बची रहती है। इस चीज़ को बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो त्यौहार मनाया इस तवांग तवांग मठ में आयोजित होता है, इससे इस चीज़ का एक विशेष एक तरीके से वो है, योगदान है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दुनिया का पहला, दुनिया का पहला स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन वाली फ्लाइंग बोट क्या हुई, स्वच्छ ऊर्जा वाली फ्लाइंग बोट दुबई में लॉन्च हुई। कहाँ हुई, दुबई में लॉन्च। दुबई में क्या हो गई, एक स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन वाली फ्लाइंग बोट दुबई में क्या हो गई है, लॉन्च हो गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसमें स्विस अवस्थित, स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट 0 इन मिशन ने क्या किया, जेट के निर्माण और संचालन के लिए, जो स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट जीरो इंस मिशन के जेट को निर्माण और संरचना के लिए क्या किया इसने, यूएई और DWYN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्या किया इन लोगों ने, जो जेट बनाया है दुनिया का सबसे पहला स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन वाली फ्लाइंग बोट या जेट बनाया है, जो दुबई में क्या होगा, लॉन्च होगा, जिसमें स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट ऑफ ज्यूराइंस ने जेट के निर्माण और संचालन के यूएई और DWYN के साथ क्या किया, एक हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसमें नाव 40 समुद्री मील की चाल से पानी के ऊपर क्या करता है, पानी के ऊपर जो जेट है वो, जो नाव है वो 40 मील समुद्र 40 समुद्री मील की चाल से पानी के ऊपर बिना शोर के, किसके बिना शोर के, बिना शोर के बिना उड़ने में सक्षम है, किसमें, उड़ने में, क्या है, सक्षम है। इसमें 8 से 12 यात्री बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये नाव है जो 40 समुद्री मील की चाल से पानी के ऊपर बिना किसोर मचाए उड़ सकती है, बिना शोर के उड़ने में सक्षम है, उसमें 8 से 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस चीज़ को बताया है, मतलब कि दुनिया की ये पहली शुरुआत हो गई उड़ने की रफ्तार, मतलब पानी के ऊपर उड़ने के लिए ये दुनिया के पहला फ्लाइंग जेट के रूप में, मतलब फ्लाइंग जेट तो था, मतलब वाटर
अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, किसके, आंध्र प्रदेश एपी के, आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया, श्री कालाकुलम, कालाकुलम में गांधी, कालाकुलम में किसके, गांधी मंदिरम, और स्मृति वन, क्या है, स्मृति वनम, का क्या किया, निर्माण किया। इसको समझाते हैं क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के समाज कार्यकर्ताओं ने कालाकुलम में गांधी जी का मंदिर, एक तरीके से मंदिरम और स्मृति वनम का क्या किया है, निर्माण किया है। इसका उद्देश्य है, इसका कोई उद्देश्य होगा इसलिए उन्होंने बनाया, इसका उद्देश्य, कोई भी काम होता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए आगे, इसका उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के बलिदानों को, नेताओं के बलिदान, नेताओं के बलिदानों को याद में याद कर युवाओं में, युवा पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागे, देश भक्ति की भावना जागे। इसमें बताया गया स्वतंत्र सेनानियों और नेताओं के बलिदान को याद कर क्या, युवा पीढ़ी के देशभक्तों, देश युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागे, देशभक्ति की भावना जागे, इस चीज को बताया गया इस पॉइंट में। सीरो मारा, सीरो मारा कास्त्रो, कास्त्रो ने जनवरी 2022, 2022 में इन्होंने होम हंडुरास को, हंडुरास की कौन सी, हंडुरास की फर्स्ट राष्ट्रपति क्या हुआ, सीओ मारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में होंगरास की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, इन्होंने पद संभाला, कौन सी, फर्स्ट महिला, महिला या महिला, यहाँ की जगह यहाँ लिख लो, कौन सी पहली महिला के रूप में क्या किया इन्होंने, हाँ ये रहा, सीओ मारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में होंगरास की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण की। इन्होंने न्यायाधीश क्या, न्यायाधीश काली रोमरो के समक्ष क्या ली, शपथ ली, किसके सामने ली, इन्होंने न्यायाधीश काली रोमेरो के सामने क्या ली, इन्होंने शपथ ली,
होंगडोडास एक क्या है? एक मध्य अमेरिकी क्या है देश? अमेरिकी देश है। क्या किया? होंगडोरास क्या है? एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है टेंगू सिगल्पा। इसकी क्या है? कैपिटल है टेंगू सिगल्पा। सिगल्पा इसकी क्या है? कैपिटल। टेंगू सिगल्पा ये सही है। सिगल्पा क्या है? इसकी कैपिटल है। इस चीज को बताया गया है कि इनकी कैपिटल के रूप में क्या है। ये सियो मारी का सियो कासो ने सियो मारा कास्त्रो ने क्या किया? ये फर्स्ट राष्ट्रपति के फर्स्ट महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया? शपथ ली। ठीक है, कहाँ पे ली? इन्हें होंग राइस में, होंगडुरस में इन्होंने क्या ली? इसकी शपथ ली। बता दो, भूल गया। न्यायाधीश कैसे किस कौन से न्यायाधीश के सामने? काली रोमो, काली रोमेरो के सामने इन्होंने क्या की? शपथ ली। कब ली? 2 जनवरी में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको वीडियो में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बुड बहुत खराब हो गया इसको। क्या ली इन्होंने? शपथ ली। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। पुद्दुचेरी की, किसकी? पुद्दुचेरी की। पुद्दुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में कार्य करने वाली महिला कार्य करने वाली महिला कौन? किरण बेदी ने। पुद्दुचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य करने वाली महिला किरण बेदी ने अपने 5 साल के क्या किए इन्होंने? अपने 5 साल के जमीनी 5 साल के जमीनी संघर्ष या 5 साल की वास्तविक आधारित जमीनी शासन को अपनी पुस्तक में बताया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम देखो इनकी क्या है। इनकी पुस्तक का नाम है फेयरलेस गवर्नर्स। क्या है? फेयरलेस गवर्नर्स। फेयरलेस गवर्नर्स क्या है? इनकी पुस्तक है। इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक में इन्होंने अपने 5 साल के 24 उपराज्यकाल के रूप में इन्होंने क्या किया? पुद्दुचेरी में जो कि महिला किरण बेदी का करने वाली किरण बेदी इसने 5 साल के जमीनी शासन को अपनी पुस्तक में बताया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फेयरलेस गवर्नेंस। इसे डायमंड बुक में किसने इसे
डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया, प्रकाशित किया इसे, डायमंड बुक्स ने क्या किया, प्रकाशित किया इसे, इसे इंदिरा नाई, इसे इंदिरा नाई और प्रोफेसर प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी द्वारा लॉन्च किया, द्वारा लॉन्च किया। मतलब कि इस पुस्तक में इन्होंने जब अपने ज़मीनी करियर को बताया, और इसमें डायमंड बुक्स ने क्या किया, इसको क्या किया, लॉन्च किया, और इसे इंदिरा नाई और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी ने क्या किया, इस चीज़ को देखा कि इस पुस्तक में क्या क्या है। 6 फरवरी को इन्होंने क्या किया, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति विकृति के लिए, जननांग विकृति के लिए शून्य अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा, इंटरनेशनल क्या हुआ, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस के रूप में सहिष्णुता ने इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य इसकी विषय वस्तु इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसकी विषय वस्तु थी एक्सीलेटरिंग, इसकी विषय वस्तु क्या थी, एक्सीट्रेसलिंग इन्वेस्टिगेट गैंट टू एंड FGM है। क्या हुआ, इसके विषय वस्तु क्या थे, एक्सीलेटिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट गेंट टू एंड एंड FGM है, ठीक है, इस चीज को बताया गया। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आप लोग समझते नहीं हो इस चीज को। छः फरवरी से बारह फरवरी तक क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटरनेशनल विकास
विकास, सप्ताह मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, इंटरनेशनल विकास सप्ताह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया। इसको किसके द्वारा मनाया गया? इसको कनाई, कंडाई, इसको कंडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा इसको मनाया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में CIDA के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, और फर्स्ट टाइम इसको 1998 से मनाया गया। इसको 1998 से इसको मनाया गया। पहली बार आयोजित कब हुआ? ये पहली बार आयोजित हुआ 1998 से, ये पहली बार आयोजित हुआ। आज का लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसका आज का लास्ट पॉइंट है लता मंगेशकर का निधन। लता मंगेशकर का क्या हो गया? निधन, निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदी सिनेमा को 1000 से अधिक गाने, हिंदी गाने और 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए। 36 से अधिक भाषाओं में क्या किया इन्होंने? गाने के रूप में गाए। इन्हें सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत का सर्वोच्च इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, इन्हें क्या किया? पद्म विभूषण और पद्म भूषण से क्या किया? सम्मानित किया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो में आप कमेंट करके बता।